भाई बहनों, आप सभी से निवेदन करूंगी कि एक बार कमर सीधी करके मेरे साथ साथ गायत्री महामंत्र का सत्स्वर उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में यहाँ उपस्थित सभी शक्ति स्वरूपा माताएं, बहनें एवं देवतुल्यों भाइयों बहनों, शक्ति संरक्षण का ये वर्ष बिना नारी शक्ति के अभ्यर्चना के पूर्ण नहीं हो सकता। परम वंदनीय माता जी का जीवन आदर्श प्रत्येक गायत्री परिजन के सम्मुख है। उनको अपना प्रेरणा स्रोत मानते हुए प्रत्येक भारतीय नारी को अपने अंदर उस निहित शक्ति को जगाते हुए एक संकल्प लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो सर्वप्रथम मैं परम वंदनीय माता जी के जीवन से ही अपनी बात को प्रारंभ करना चाहूँगी, जिनके जीवन से हम कुछ सीख सकते हैं, कुछ प्रेरणा ले सकते हैं और शक्ति जागरण का जो ये उद्देश्य है इसको हम पूर्ण कर सकते हैं। तो भाइयों बहनों, परम वंदनीय माता जी स्नेह सलीला ममतामयी करुणामयी शक्ति स्वरूपा वंदनीय माता जी का जन्म 20 सितंबर 1926 आगरा शहर में श्री जसवंत राव जी के घर चौथी संतान के रूप में जन्मी थी। ऐश्वर्य संपन्न घराने पली बड़ी वंदनीय माता जी का विवाह आगरा से 25 किलोमीटर दूर आवलखेड़ा नामक एक गांव था, जहां पे एक ज़मींदार परिवार श्री रूप किशोर जी, उनके सुपुत्र जो कि एक गायत्री साधक थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, आज के युग ऋषि श्री राम शर्मा आचार्य जी से उनका विवाह हुआ। तो जब वंदनीय माता जी ससुराल पहुंची, तो उन्होंने देखा कि पूज्य गुरुदेव उस समय एक ओढ़ी हुई गरीबी का जीवन जी रहे थे। तो वंदनीय माता जी ने सोचा कि जैसे मेरे पति का जीवन है वैसे मेरा जीवन होना चाहिए, जैसे मेरे पति का समर्पण है वैसे मेरा अपना समर्पण होना चाहिए। इस संकल्प के साथ वो अपने धर्म कार्य में जुट गई। ये वो समय था जब परम पूज्य गुरुदेव की 24 महापुरुषों की श्रृंखलाएं चल रही थीं और परम पूज्य गुरुदेव केवल छाछ और जौ की रोटी पे अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। तो वंदनीय माता जी ने भी छाछ और जौ की रोटी से अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों की शुरुआत करी। कुछ ही वर्ष बीते थे आंवलखेड़ा में कि गुरुजी और माता जी मथुरा आ गए। यहाँ परम पूज्य गुरुदेव को अपनी अखंड ज्योति जो पत्रिका थी उसका संपादन करना था और पाठकों के आध्यात्मिक, वैचारिक, पारिवारिक जो भी उनकी समस्याएं थी उसका समाधान निकालना था। और परम वंदनीय माता जी घर में जो भी व्यवस्था थी, जितना जो कुछ था, उससे अपने मेहमानों की व्यवस्था जुटाया करती थी। मात्र 200 रुपये की आय में गुरुजी, माता जी, उनके दो बच्चे और उनकी माँ, ये पांच लोग और प्रत्येक माँ लोगों का आना जाना, वंदनीय माता जी सबका सेवा सत्कार करती थी और जो भी इनके घर में आता था अपना घर ही मानता था। चाहे आधी रात को भी कोई आता था तो वंदनीय माता जी उसको बिना भोजन खिलाए कभी नहीं भेजती थी। वंदनीय माता जी एक अच्छी गृहिणी थी। जब परम पूज्य गुरुदेव को हिमालय यात्रा के लिए जाना था तो वो समय वंदनीय माता जी के लिए काफ़ी कठिनाई भरा था, क्योंकि माता जी काफ़ी अकेली पड़ गई थी और गुरुदेव ने उनके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियाँ सौंप कर चले गए थे। लेकिन वंदनीय माता जी ने एक पिता के रूप में, एक संगठक के रूप में इस गायत्री परिवार की बागडोर को संभाल के रखा। जब प्रारंभिक दिनों में जो अखंड ज्योति पत्रिका थी घर के बने कागज से ही छपा करती थी और ये कार्य वंदनीय माता जी ही करती थी। माता जी स्वयं अपने हाथ से कागज़ को कूटती थी, गलाती थी, सुखाती थी और उसके बाद हैंड प्रेस मशीन हुआ करती थी, उस पर छापती थी। और
छोटी सी स्पेस थी और वहाँ उस घर में लोगों का आना जाना लगा ही रहता था, अपने गायत्री परिजन लोग आते रहते थे, इसके अलावा कुछ ऐसे रिश्तेदार थे जो आते थे और वहीं ठहर जाते थे और ये कहते थे कि माता जी हमारा बेटा पढ़ता लिखता नहीं है, इसको सुधारिए, इसको हम आपके पास छोड़ के जा रहे हैं। तो ऐसे भी लोग थे जो माता जी के पास छोड़ के चले जाते थे। तो वंदिया माता जी क्या करती थी, ऐसे इन लोगों को भी साथ अपने काम में जुटा लिया करती थी और इस तरह से उनका सारा का सारा काम साथ साथ निपट जाया करता था। तो जो लोग साथ में काम करते थे उनको एक आना दिया करती थी, तो एक आने के प्रलोभन में लोग और भी जुट जाते थे और इस तरह से माता जी का काम हो जाया करता था। तो छोटी सी जगह वंदिया माता जी ने वो काम करके दिखाया जिसको कहते हैं संगठन क्षमता का परिचय। यदि वंदिया माता जी की शक्ति नहीं होती तो इतना बड़ा संगठन नहीं खड़ा हो पाता, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव शक्ति के रूप में थे, सूर्य जैसा उनका तेज था, सूर्य जैसा रूप था। जब गुरुदेव सुबह साधना करके लौटते थे तो उनसे आप आँख से आँख मिलाकर बात नहीं कर सकते थे, बात करना तो दूर देख भी नहीं सकते थे, इतनी तकलीफ होती थी देखने में भी, इतने उनके चेहरे पे प्रकाश हुआ करता था। और गुरुदेव जो भी काम करते थे बहुत स्पीड में काम किया करते थे, जो भी काम करते थे चाहे लेखन का काम है या जो भी काम करते थे बहुत जल्दी फास्ट काम करते थे और लोगों से अपेक्षा थी कि वो भी लोग सीखें ऐसी करें, पर जब नहीं कर पाते थे तो गुरुदेव थोड़ा नाराज़ भी हुआ करते थे। तो वंदिया माता जी क्या करती थी, उनकी नाराज़गी को संभाल लिया करती थी, प्यार से संभाल लेती थी, शांति लुटाती थी, ममत लुटाती थी, प्यार लुटाती थी। आज भी वंदिया माता जी का वो प्यार वो ममत बहुत याद आता है लोगों को, कैसे कैसे वंदिया माता जी ने लोगों को अपने हाथों से भोजन खिलाकर कितने लोगों को जोड़ा है। इसके अलावा वंदिया माता जी ने और भी बहुत काम किए। वंदिया माता जी ने नारी जागरण आंदोलन की शुरुआत करी। ये वो समय था जब महिलाएं जो है घर से निकल नहीं पाती थीं, अशिक्षा थी, पर्दा प्रथा थी, छुआछूत था, जातिवाद था, ये सब समस्याएं थीं। लेकिन वंदिया माता जी ने ऐसी महिलाओं को घर से बाहर निकाल कर समाज में सम्मान दिलाया, उनको अध्यात्म से जोड़कर उनको सब कुछ सिखाया, कर्मकांड सिखाया, हिम्मत दिलाई और यज्ञ संस्कार सब सिखाया और ऐसी महिलाएं घर से बाहर निकली। आज आप देख रहे हैं देश विदेश में जो नारियां काम कर रही हैं ये वंदिया माता जी का ही पुरुषार्थ था। इसके अलावा जो छुआछूत लोग मानते थे, जातिवाद मानते थे, ऐसे लोगों को वंदिया माता जी ने एक साथ बिठाकर एक पंक्ति में भोजन कराया। तो ये कार्य वंदिया माता जी ने ऐसे काम किए जिससे काफ़ी परिवर्तन आया, लोगों की सोच में बदलाव आया, लोग एक साथ रहने लग गए, जातिवाद थोड़ा मिटा। वंदिया माता जी कहा करती थी कि मेरा कुछ भी नहीं है, जो भी कुछ है मेरे आराध्य का है या इस समाज के हित के लिए है। जब परम पूज्य गुरुदेव तपोभूमि की स्थापना करना चाहते थे और पैसों का अभाव था तो वंदिया माता जी ने आगे बढ़कर कहा कि मेरे पास जो जेवर हैं इनको बेचकर हम तपोभूमि का निर्माण कर सकते हैं। और वही है, उन्होंने अपने जेवर बेच के जो पैसे मिले उससे तपोभूमि का निर्माण किया। आज असंख्य लोग वहाँ आते हैं और कितने कार्यक्रम हो रहे हैं कि वंदिया माता जी कही। आगे बढ़ के उन्होंने जो कुछ कर सकती थी इस समाज के हित के लिए उन्होंने किया। तो भाई बहन मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम और आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि परम पूज्य गुरुदेव वंदिया माता जी से हम जुड़े और उन लोगों का प्यार मिला, हम लोगों का उनको आशीर्वाद मिला। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों को केवल गुरु का सानिध्य मिल पाता है या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको केवल माँ का सानिध्य मिल पाता है। हम लोगों का दोनों का साथ मिला, हम लोग सौभाग्यशाली हैं और ऐसे लोग विरले ही कहलाते हैं। आज भी परम पूज्य गुरुदेव वंदिया माता जी सूक्ष्म रूप में आपकी हर समय आपकी रक्षा करते हैं, मदद करते हैं और आपको इतना दिया है कि गले तक भर कर दिया है, जो आपने इच्छा मांगी भगवान आपको भर भर के देते हैं। अब हम लोगों की ड्यूटी बनती है कि हम आगे बढ़ें और गुरुदेव माता जी के बताए हुए रास्ते पर चलें, जो जो उन्होंने काम बताए हैं उसको करें। यदि ऐसा करेंगे तो हम निमित्त बनकर काम करेंगे तो उनका आशीर्वाद मिलेगा, आपको भी खुशी मिलेगी और समाज के हित के लिए जो भी कुछ कर सकते हैं इससे बहुत अच्छा होगा, खुशी मिलेगी। तो मैं यही कहना चाहूँगी भाइयों बहनों कि परम पूज्य गुरुदेव ने जो एक पथ बताया वो है दृष्टिकोण का परिवर्तन।
तो भाई बहनों, मनुष्य के जीवन में, सृष्टि के इतिहास में और प्रकृति के चक्र में देखिए दो तरह के समय आते हैं, एक वो जिसे हम सामान्य समय कहते हैं और दूसरा जिसे हमें असामान्य समय कहना पड़ता है। सामान्य समय का मतलब वो जिसमें कि सामान्य समय की गतिविधियाँ चलती रहती हैं, हम सुबह उठते हैं, नहाते हैं, ब्रश पेस्ट करते हैं, तैयार होते हैं, यदि बच्चों को स्कूल भेजना है उनको भेजते हैं, तो ये डेली रूटीन का काम है, इसमें कोई बड़े अचंभे की बात नहीं है। लेकिन संसार के इतिहास में कुछ ऐसे समय भी आते हैं जिनको हम विलक्षण कह सकते हैं, जिनको हम अभूतपूर्व कह सकते हैं। ये वो समय है जिसमें कि सामान्य समय के नियम काम नहीं आते, क्योंकि समय सामान्य नहीं है। तो भाइयों बहनों, जिस समय में हम अभी जी रहे हैं, ये समय भी ऐसे ही सामान्य साधारण समय नहीं कहलाया जा सकता, क्योंकि मानवता जो है इस समय एक बड़े ही विषम दौर से गुजर रही है। और क्रांतियाँ उन लोगों के जीवन में घटती हैं जो समय की चाल को पहचान कर उसके अनुरूप, उसके अनुसार अपनी जीवन की दिशा को तय करते हैं। यदि आपको मेरी बात पर भरोसा ना हो तो आप उन क्रांतिकारियों की, सिद्ध पुरुषों की, अवतारों की यदि जीवन को उठा करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि उनके की समय के बदलाव के साथ उनका जो जीवन का सार था, उन्होंने उसके अनुरूप, उसके अनुसार अपनी जीवन की दिशा को तय किया। यदि तय नहीं किया हुआ था तो आज हम झांसी की रानी, मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, इन सब के नाम इतनी श्रद्धा से नहीं ले रहे होते। परिवार वालों ने रोका, शुभचिंतकों ने टोका, लेकिन इन लोगों ने भापा कि समय जो है सामान्य नहीं है। ऐसे में देश को स्वाधीन करने की आवश्यकता है और एक से बढ़कर एक क्रांतिकारी सेनानी इस देश की मिट्टी के लिए मिटते हुए चले गए। तो भाई बहनों, तो मैं आपसे भी यही बात कर रही थी कि जिन लोगों के नाम इतिहास में इतने गौरव से लिया जाते हैं, इन्होंने असामान्य समय को पहचाना और ये जाना कि असामान्य समय में असामान्य पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। जिस वर्तमान समय में हम और आप जी रहे हैं, ये समय भी ऐसा ही असामान्य समय है और इसमें हम और आपको मिलकर एक असामान्य पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। आप यही कहेंगे कि हमें तो सब कुछ सामान्य लगता है, सूरज वहीं से उगता है जहाँ से उगा करता था, वहीं डूबता है जहाँ डूबा करता था, इसमें कोई नई बात तो हमें लगती नहीं है, सब कुछ वैसा ही चल रहा है। लेकिन मैं ये कहूँगी दोस्तों, यदि हमें समय के परिवर्तन की आहट को पहचानना है, यदि हमें उस क्रांति की दस्तक को अनुभव करना है, तो इसके लिए हमें ज़्यादा लंबी यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपने अंतःकरण की यात्रा करनी पड़ेगी। जब हम अपने अंतःकरण में डूबेंगे तो हम पाएंगे कि आज का जो इंसान है ये अपने आप में बहुत अकेला है। भले ही आबादी बहुत बढ़ गई है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, मकान बहुत कम है, लेकिन आज का जो इंसान है अपने आप में बहुत अकेला है। भावनात्मक रूप से टूटा हुआ है, मानसिक रूप से बिखरा हुआ है। यदि आप उससे उसके जीवन का लक्ष्य पूछे तो उसको नहीं पता, उसको ये नहीं पता कि उसके जीवन का लक्ष्य क्या है, एम क्या है, पर्पस क्या है, मोटिव क्या है, एजेंडा क्या है, उसको नहीं पता। दो मिनट की खुशी, दो मिनट की आत्मीयता, दो मिनट के अपनत्व के लिए वो किसी भी हद तक गिरने को तैयार हो जाता है। यूँ कहने को तो परिवार है, लेकिन पारिवारिकता कहाँ है? भाई को भाई पे शक है, या बाप को बेटे पे शक है, बेटे को बाप पर शक है, सास को बहू पर शक है, बहू को सास पर शक है। एक ही छत के नीचे रहते हैं लेकिन एक अजनबी की तरह रहते हैं, ये बड़ा अजीब हो गया है दोस्तों। यूँ तो हमने सुख के साधन बहुत जुटा लिए, लेकिन शांति कहाँ है? वैभव है पर तृप्ति नहीं है, समृद्धि है पर संतुष्टि नहीं है। तो ऐसे में इन टूटे व्यक्तित्वों से, इन बिखरे परिवारों से जो राष्ट्र, जो समाज निकल करके आता है, उसको हम गौरवशाली राष्ट्र नहीं कहलाया जा सकता। तो इसके लिए, राष्ट्र के नव निर्माण के लिए, हम और आपको वहीं से इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी जहाँ से इसकी समस्या की शुरुआत हुई है, वो है हमारा अंतःकरण, हमारा व्यक्तित्व। बाहर की दौड़ में भूल गए दोस्तों कि शुरू तो हम अंदर से ही होते हैं, लेकिन जब हमारी शुरुआत ही गलत है तो आपका रास्ता कितना ही लंबा क्यों ना हो, लेकिन आपको मंजिल कभी नहीं मिल सकती।
तो भाई मैंने आपसे मैं बात कर रही थी कि आज के इस असामान्य समय में राष्ट्र के नव निर्माण के लिए हमारा आपको मिलकर एक नवीन पुरुषार्थ करना होगा। परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि जो आज का जो समय है ये आपत्तिकाल का समय है, इमरजेंसी का समय है, और आपत्तिकाल का अध्यात्म, आपत्तिकाल का पुरुषार्थ कुछ और ही होता है दोस्तों। किसे कहते हैं आपत्तिकाल? भूकंप का नाम सुना होगा आपने, महामारी का नाम सुना होगा आपने, दंगों का नाम सुना होगा आपने। तो भाइयों बहनों, जब ये सब घटता है तो हम उस समय सामान्य समय के नियमों को फॉलो नहीं करते, बल्कि कुछ असाधारण ही करते हैं। घर में आग लग गई है तो लग जाने दो, हमारा तो ऑफिस जाने का समय है। क्या उस टाइम आप ऑफिस जाएंगे? नहीं साहब, उस टाइम ऑफिस नहीं जाएंगे। शहर में दंगे हो गए, 144 की धारा लग गई है तो लग जाने दो, हमारा तो शॉपिंग जाने का समय है। नहीं साहब, उस टाइम शॉपिंग करने नहीं जाएंगे। शहर में भूकंप आ गया है तो आने दो, हमारा तो घूमने का समय या मूवी देखने का समय है, क्या उस टाइम हम मूवी देखने जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो जब सुनामी आता है, जब भूकंप आता है, तो ना तो हम पिक्चर देखने जाते हैं, ना हम घूमने जाते हैं, ना ऑफिस को जाते हैं, ना हम समाधि लगा करके बैठते हैं, बल्कि उन लोगों की मदद करने की दौड़ खड़े उठते हैं जो लोग घायल हो गए हैं, जो लोग परेशान हैं, उनकी मदद करने की दौड़ते हैं। जब सीमा पर लड़ाई छिड़ जाती है तो जो सेनानी लोग घर छुट्टी पर चले जाते हैं, उन लोगों को वापस बुलाया जाता है, बुला लिया जाता है, इसी को कहते हैं आपत्तिकाल, इसी को कहते हैं इमरजेंसी। तो आज हमारे समाज में या हमारे सीमा पर कोई लड़ाई नहीं छिड़ी है, लेकिन हाँ, जो लड़ाई जो छिड़ी है वो हमारे समाज में एक लड़ाई छिड़ी हुई है। आज आदमी आदमी को मारने पर आमदा है, आज समाज अपने आप को नष्ट करने पर उतारू है। तो ऐसे में हम और आप, जिनके हाथ में इस राष्ट्र का, इस समाज का भविष्य है, केवल हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते, केवल मूक दर्शक बनकर नहीं बैठ सकते, बल्कि हमें कुछ करना होगा। हमें क्या करना होगा? हमें इस समाज को बदलना होगा। 20वीं सदी के अंत आते आते हमारे समाज में इतनी बुराइयां आ गई हैं, इतनी गलत चीज़ें आ गई हैं, जिनको हमें उखाड़ के फेंकना होगा। यदि हम सभी सही समय पर नहीं चेते तो हमारा समाज अंधकार में डूब जाएगा। किसी समय इंसान की भाव संवेदनाओं में देखिए इतनी ताकत हुआ करती थी कि मिट्टी के द्रोणाचार्य एकलव्य को धनुष विद्या में पारंगत कर दिया करते थे। मीरा के श्री कृष्ण एक बार बुलाने पर दौड़े भागे चले आते थे। वहीं स्वामी रामकृष्ण परमहंस की माँ काली अभ्यदान देने के लिए तत्पर खड़ी हुई दिखाई पड़ती थी, और परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा साधना के दीपक एक बार जलाने पर कितने वर्ष से जलता चला आ रहा है। तो ये क्या था? ये उनके विचारों की ताकत थी, ये उनकी संवेदनाओं की ताकत थी, ये उनके व्यक्तित्व की ताकत थी। तो भाइयों बहनों, यदि व्यक्तित्व में से सत्य, सदाचार, न्याय जैसे गुणों को ठुकरा दिया जाए और केवल तात्कालिक लाभ को ऊंचा स्थान दिया जाए, तो उस व्यक्ति का पतन होना स्वाभाविक है। यदि जहर को ही अमृत मान लिया जाए और उस जहर को पीने के लिए लोग बेचैन हो उठे, तो इसमें कोई क्या कर सकता है? यदि भटका हुआ व्यक्ति स्वयं तो भटका हुआ है और दूसरों को भी आग्रह करता है कि उसी मार्ग पर चलने के लिए, फिर तो उसको परमात्मा ही मालिक है। तो आज मेरा जो प्रश्न है आप सभी से, मेरा प्रश्न यही है कि क्या हम अपने समाज को इसी दशा में छोड़ दें, या फिर आस लगा करके बैठें कि कोई चमत्कार होगा और ये समाज बदल जाएगा, या हम और आप जैसे जिम्मेदार नागरिक आगे आए और इस समाज के ढांचे को बदल डालें? आज हमारे समाज में इतनी बुरी चीज़ें आ गई हैं, तो बजाय हम उसकी शिकायत करें, क्यों नहीं उसको बदलने की कोशिश करते? आज हमारा समाज सड़ गया है, गल गया है, इसको नए विचारों की आवश्यकता है, नए कंधों की ज़रूरत है। यदि हम अपने बच्चों का, आने वाली पीढ़ी का भविष्य मुकम्मल करना चाहते हैं, तो हमें समय के बदलाव के साथ अपनी दिशा को भी तय करना होगा। इसी का नाम है दृष्टिकोण का परिवर्तन, इसी को कहते हैं विचार क्रांति। कुछ समस्याएं जो हमारे समाज में आजकल देखने को मिलती हैं, उसके बारे में चर्चा करना चाहूँगी मैं। देखिए,
भले ही हम ये कहें कि हम बहुत एडवांस हो गए हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, हमारी सोच बदलती जा रही है, लेकिन उसके बावजूद आज भी लड़का लड़की में भेदभाव देखने को मिलता है। लड़की के जन्म होने पे लोग मुंह लटका लेते हैं, वहीं लड़के के जन्म होने पे बहुत खुशियां मनाई जाती हैं। तो ये भेदभाव बहुत देखने को मिलता है और लड़की के खान पान, उसके पालन पोषण, हर चीज़ में भारी भेदभाव नज़र आता है। ऐसा माना जाता है कि जब हमारा भाग्य अच्छा होता है तो भगवान हमें लड़का देता है, और जब हमारे सौभाग्य अच्छे होते हैं तो भगवान हमें लड़की देता है। तो इसमें हमें फ़र्क नहीं करना चाहिए, हमें भगवान जो भी कुछ दे उसे हमें खुशी खुशी एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि ये भगवान की देन है। लेकिन एज पेरेंट्स हमारी कुछ ड्यूटीज़ बनती हैं कि हम अपने बच्चों को सही सीख दें। तो आज मैं सबसे ये कहना चाहूँगी कि हम लड़कों को, अपने बेटे को, अपने घर से ही अगर बच्चों को हम सही ट्रेनिंग दें। लड़कों को ये बताना बहुत आवश्यक है कि हर एक लड़की की इज्जत करें, हर एक लड़की की इज्जत करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आपकी माँ हो, भाभी हो, चाची हो, नानी हो, या राह चलती कोई लड़की क्यों ना हो, लेकिन हर एक नारी की इज्जत करना बहुत ज़रूरी है। और लड़कियों को भी बताना ज़रूरी है कि वो निडर बने, कॉन्फिडेंट बने, और जो कार्य लड़के कर सकते हैं वो कार्य लड़की भी कर सकती है, और जो कार्य लड़की करती हैं वो कार्य लड़के भी कर सकते हैं। इस तरह से क्या है, हम जो भेदभाव नाम की चीज़ है इसको हम मिटा सकते हैं। कहीं ना कहीं हम ही लोग ज़िम्मेदार हैं इस भेदभाव करने के लिए। हम ही भेदभाव करते हैं कि नहीं बेटा ये तुम्हारा काम नहीं, लड़की का काम है, नहीं तुम्हारा काम ही लड़के का काम है, हम ही ज़िम्मेदार हैं। तो ये परिवर्तन हमें अपने घर से ही शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी भेदभाव नाम चीज़ की ख़त्म होगी, समाप्त होगा। दूसरी चीज़ हमारे समाज में जो बहुत बढ़ रही है वो है अश्लीलता। अब देखिए अश्लीलता इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जैसे तो हम कई कार्यक्रम करते हैं, जैसे ज्ञान यज्ञ है और जनमानस परिष्कार के लिए काफ़ी कार्यक्रम किए जाते हैं, उसके बावजूद आप टीवी सीरियल्स में, मूवीज़ में, कितनी जगहों में बस ये अश्लीलता ही दिखाई जाती है। नियमों के विरुद्ध अश्लीलता का खुलेआम प्रदर्शन होता है। आज एज अ फैमिली हम एक मूवी नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हर जगह अश्लील गीत, अश्लील सीन्स, अश्लील डायलॉग्स देखने को मिलते हैं। इसका प्रभाव जो है हमारे बच्चों पर, नवयुवकों के ऊपर और बाकी जनता पर पड़ता है। इसीलिए हमारे देश में आज इतने क्राइम्स बढ़ रहे हैं, इसीलिए हमारे देश में इतने बलात्कार बढ़ रहे हैं, इसलिए हमारे देश में इस लड़कियों के साथ छेड़छाड़ हो रही है, इसलिए इतना सारा गलत हो रहा है। आज लड़कियां इसलिए असुरक्षित हैं क्योंकि इतनी सारी अश्लीलता का खुलेआम प्रदर्शन होता है। मैं बहनों से यही आज रिक्वेस्ट करूँगी, यहाँ सब बहनें बैठी हैं, कि आप गाँव-गाँव जाके, या शक्तिपीठ पर हैं, प्रज्ञापीठ में हैं, या किसी भी रचनात्मक प्रकोष्ठ में हैं, गाँव-गाँव जाकर, हर जगह जा जाकर आप महीने में या दो महीने में अश्लीलता निवारण के लिए रैली निकालिए, और उन महिलाओं को ट्रेनिंग दीजिए, काउंसलिंग दीजिए कि कैसे अपने आप को सतर्क कर सकती हैं, कि इस असुरक्षित माहौल में जब बाहर निकलें क्या क्या उनको ध्यान रखना चाहिए। कुछ काउंसलिंग दी जाए रिगार्डिंग उनकी, उनको कराटे सिखा सकते हैं, मार्शल आर्ट सिखा सकते हैं, कुछ भी सिखाइए जिससे कि अपनी सुरक्षा कर सकें। इसके अलावा जो छोटी बच्चियाँ हैं उनको भी समझाया जाए घर पर कि कैसे अपना बचाव करना चाहिए, जब घर से बाहर निकलो हर किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें एज पेरेंट्स माँ बाप को सिखानी चाहिए बच्चियों की सुरक्षा के लिए। आज हमारा समाज वाकई बहुत प्रदूषित हो रहा है, इन सब चीज़ों पे हमें ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा और अश्लीलता की होली जलानी चाहिए। आज आप देखिए पेरेंट्स दोनों वर्किंग होते हैं, आजकल जॉइंट फैमिलीज़ का ज़माना नहीं रहा, न्यूक्लियर फैमिलीज़ ज़्यादा दिखती हैं। तो क्या होता है जब माँ बाप बाहर वर्किंग हैं, चले जाते हैं, छोटे बच्चे घर पर छोड़ गए हैं, यदि 8 साल का बच्चा घर पर आप छोड़ जाओगे तो वो क्या करेगा? टीवी चैनल देखेगा, इंटरनेट देखेगा, मोबाइल देखेगा, इससे क्या होगा, उसको गलत चीज़ें जल्दी पकड़ेगा बच्चा, क्योंकि वहाँ सुपरविजन के लिए कोई नहीं है घर पर। तो इस तरह से क्या होता है, गलत प्रभाव पड़ता है, फिर वो गलत काम करता है, फिर कल को हम कहते हैं इस बच्चे की मानसिकता ऐसी हो गई। ये मानसिकता आई कैसे, कहाँ से आई मानसिकता,
हम ही इसके ज़िम्मेदार हैं। हम लोगों को बच्चों को सुपरवाइज करना चाहिए, ध्यान रहना चाहिए, कोई बड़ा होना चाहिए ध्यान रखे। तो ये सब चीज़ें जो हमारे समाज में आ गई हैं, इनको हमें ध्यान में रखना है और इनको उखाड़ के फेंकना है। यदि वाकई हमें दृष्टिकोण के परिवर्तन पर ध्यान रखना है तो ये चीज़ें बदलनी होंगी। और ये सब लोग, हम सब लोग मिलकर ही यदि एक साथ जुट जाएं तो क्यों नहीं परिवर्तन ला सकते हैं इस समाज में। परम पूज्य गुरुदेव ने उद्घोष किया था 21वीं सदी नारी की, अर्थात संवेदनाओं की। इस जब जब इस धरती पर आपत्ति की घड़ियां आती हैं, तब तब मां सत्ता ने इसको संवारा है। देखिए, ये क्षेत्र जो है शक्ति का क्षेत्र ही कहलाया जाता है। और परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, जब भी इस धरती पे दुर्दशा होगी तब नारी को ही इसको आगे आना पड़ेगा। माँ काली ने भी अपने कदम सृजन के लिए आगे बढ़ाए थे और महाकाल ने बढ़ती हुई अवांछिता को देखकर रौद्र रूप धारण करके तांडव किया था और इस धरती पर सब कुछ भस्म कर डाला था। तब भी मात सत्ता ने इसको संवारा था। आज भी यही दुर्दशा हो रही है। आप सबको जागना होगा, उठना होगा और इस समस्याओं का, दुर्दशा से इसको निभाना पड़ेगा, उठाना, हटाना पड़ेगा। ऐसा कहा जाता है मार्कंडेय पुराण में, जब देव सोए हुए थे तब मधुकैटभ पैदा हुए, तो उसके लिए जो उपाय बताया गया उसके लिए कहा गया देवी जागरण करना होगा। फिर जब देव सोए हुए थे तो शुभ निशुम पैदा हुए, उसके लिए भी जो उपाय बताया गया वो भी शक्ति जागरण कहा गया। फिर देव सोए थे तब महिषासुर पैदा हुआ, तो उसके लिए माँ दुर्गा का अवतरण हुआ और इस धरती पर जो कष्टों से हमें मुक्ति दिलाई थी। आज भी माँ वसुंधरा कराहती है और चीख चीख कर कह रही है कि हमारी संस्कृति खतरे में है, हमारे बच्चे संस्कार विहीन हो रहे हैं। उठो माँ सत्ता, जागो, अब इस धरती को फिर से शक्ति जागरण की आवश्यकता है। तो अभी मैं आपसे दृष्टिकोण के परिवर्तन की बात कर रही थी, कैसे कर सकते हैं ये परिवर्तन। तीन चीज़ें जो हम अपने अंदर ला सकते हैं, एक है संकल्प, सहचर और सहयोग, साहस और सहयोग। यदि तीन चीज़ें हमारे अंदर जाग जाएं तो हमारे लिए कोई भी कार्य करना संभव नहीं हो सकता। संकल्पित भाव से कोई भी कार्य करें तो हम कोई भी चीज़ है उसको काम करके ही डिटरमाइंड वे में करें तो कोई भी चीज़ हमारे लिए मुश्किल नहीं हो सकती। एक छोटी सी कहानी मैं बताना चाहूँगी, ये है सुहासिनी देवी की कहानी। क्या आप सोच सकते हैं एक सब्जी बेचने वाली महिला एक हॉस्पिटल खड़ा कर सकती है? नहीं, सोचने में तो बहुत अजीब लगता है कि कैसे एक हॉस्पिटल खड़ा हो सकता है, लेकिन ये कहानी उन्हीं की है। उनका जन्म कोलकाता में हुआ था, एक छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ था और बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करती थी। 14 भाई बहन थे इनके और गरीबी के हालत में और दो रोटी जुटा पाना बहुत मुश्किल था। और बीच बीच में क्या हुआ, अनेक अनेक बीमारियाँ आती चली, इस तरह से भाइयों बहनों की इनकी मृत्यु होती चली गई। तो सुहासिनी देवी जी की जो शादी थी 12 साल में कर दी गई और 20 साल तक इनके 4 बच्चे हो गए थे। उसके बाद इनके पति, वो भी गंभीर हालत के मारे 3 साल बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। तो सुहासिनी देवी काफ़ी टूट चुकी थी, बहुत परेशान दुखी थी कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं अपने पति का इलाज करा सकूं या किसी का इलाज करा नहीं पाई आज तक मैं। उसी दिन उन्हें संकल्प शक्ति जागी और उन्हें ये निर्णय किया कि मैं इतनी मेहनत करूंगी कि मैं एक हॉस्पिटल खड़ा करूंगी और सारे लोगों को, मैं गरीबों की मैं फ्री में इलाज करूंगी। और वही क्या, उन्होंने सुबह वो मजदूरी का काम करती थी और शाम को वो जो है ठेले पे सब्जी बेचा करती थी। और उन्होंने इतनी मेहनत करी, जी तोड़ मेहनत करके उन्होंने पाई पाई जो कमाई उससे उन्होंने एक ज़मीन खरीदी अपने गाँव से और ह्यूमैनिटी नाम का हॉस्पिटल खड़ा किया। तो ये कितनी बड़ी बात है, देखिए, संकल्प शक्ति जाग जाए तो आप, हम यहाँ पढ़ाई लिखाई सब भूल जाते हैं। बिल्कुल अशिक्षित महिला थी, उन्होंने हॉस्पिटल खड़ा कर दिया। आज वहाँ पे कोलकाता में ये चल रहा है, सिर्फ 5 रुपये लेते हैं इलाज के लिए और मुफ्त में इलाज होता है सारा का सारा। इसे कहते हैं संकल्प शक्ति। तो भाइयों बहनों, मैं आप सभी से यही निवेदन कर रही थी कि आज हमारे समाज को, इस राष्ट्र को एक क्रांति की आवश्यकता है। हमें ऐसे संकल्पवान नीति निर्धारकों की ज़रूरत है जो इस परिवर्तन को गति दे सकें। यदि ऐसा हो सका
तो क्रांति घट के रहेगी, समाज बदल कर रहेगा और राष्ट्र जाग कर रहेगा। आज परमात्मा से यही प्रार्थना करती हूँ, जो चिंगारी आप लोगों तक पहुँची है, इस चिंगारी को आप आगे लाखों लोगों तक रोशन कर सकें, जिससे कि हमारा समाज सभ्य, सुंदर और परिवर्तित होकर बने। आज बहनों को भी मैं ये कहूँगी, वैसे तो मैंने आज देखा हमारी बहनें गुजरात की, मैंने इतना काम कर रही हैं, मैं बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत मंगल कामना देना चाहती हूँ। आप लोगों ने इतना काम किया है, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। अभी मैंने प्रदर्शनी में भी देखा कितना काम भाइयों ने भी किया है, बहनों ने भी किया है, बहुत अच्छा काम किया है। और इसका गर्भोत्सव का भी महिलाओं ने कितना 5,000 के आसपास इन्होंने योगदान दिया, बहुत बड़ी बात है। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आपका जो मतलब सराहना करना चाहिए आपके प्रयास के लिए, बहुत सुंदर काम कर रही हैं। तो आज मैं यही कहना चाहूँगी, ऐसे ही काम करते रहिए, इससे क्या होगा, आप निमित्त बनकर काम करेंगे, गुरु जी माता जी का आपका आशीर्वाद मिलेगा। आज मैं आपके अंदर शक्ति को जगाती हूँ, पुकारती हूँ और आप सभी का आह्वान करती हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। भाइयों बहनों, आपणी वच्चे आदरणीय शेफाली जीजीए दृष्टिकोण परिवर्तन थी शू शू नहीं थई शकतु एना घणा जीवंत उदाहरण आप्या। आपणी शू भूमिका छे, आपणे शू करवानुं छे, एनी माटे पण घणुं मार्गदर्शन आप्युं अने एमणे पण पोताना जीवनमां पोतानुं आमूलचूल परिवर्तन करी नाख्युं। क्यां आटला संपन्न माता पिताની दीकरी અને એને તમે જુઓ છો ને કેટલી સાદગી એમના જીવનમાં દેખાય છે, એમના વ્યક્તિત્વમાં સાદગી દેખાય છે, બહુ સરળ, બહુ સાદગી ભર્યું એમનું જીવન છે। તો આવા વ્યક્તિત્વ આપણી વચ્ચે આવ્યા એ આપણું પરમ સૌભાગ્ય છે। આપણે એમને આશ્વાસન આપીશું કે તમે અમને જે પણ કંઈ કીધું છે એને અમે પૂરેપૂરું નિભાવીશું અને પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવનું નારી જાગરણનું જે સ્વપ્ન છે એને અમે અહીંયાથી ગુજરાતમાં એની ચિંગારી પ્રગટાવીશું તો આખા વિશ્વમાં પહોંચશે એવો આપણે એમને વિશ્વાસ આપીએ છીએ। હમ શેફાલી જીજી કો બહેને બતા રહી થી કે હમ આપકો વિશ્વાસ દેતે હૈ કે પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવને નારી જાગરણ કા જો સ્વપ્ન દેખા હૈ ઉસકી ચિંગારી આપને યહાં પર જલાઈ હૈ બડોદા સે ઉસકો પૂરે વિશ્વમાં પહોંચાયેંગે એસા આપ લોગો કા સંકલ્પ હૈ। એસી મંગલ કામનાઓ કે સાથ અબ મેં હમારે આદરણીય ગિરીશભાઈ કો યહાં આમંત્રિત કરું।